इसी के साथ समय हो गया है उत्तर प्रदेश की खास खबर का। चलिए देख लेते हैं कौन सी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहे थे अजितेश। बरेली के बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी को भगाकर शादी करने वाले अजितेश, वही जिनकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब वो हिरासत में है। बीजेपी विधायक राजेश उर्फ पप्पू भरतोली की बेटी साक्षी मिश्रा का जो विवाह हुआ था, अंतर जाति विवाह हुआ था, वो काफी चर्चित हुआ था और इसी तरह सुर्खियों में आए थे अजितेश। और अजितेश की गुंडा गर्दी का अब वीडियो वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि बीती रात अजितेश ने अपने दोस्त सपा के नेता वैभव गंगवार के साथ मिलकर सरेआम गुंडागर्दी की है और इसी के बाद उन पर कार्रवाई की गई है। अजितेश ने दवा व्यापारी को सरेआम पीटा और उसका मोबाइल भी छीन लिया है। पहले से ही अजितेश चर्चा में है क्योंकि वो गुंडागर्दी वाले प्रवृत्ति के इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं और अब तो इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुंडागर्दी की ये घटना प्रेमनगर थाने क्षेत्र के राजेंद्र नगर चौराहे की है। शिकायतकर्ता की जानकारी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अजितेश ने अभी भी उसे जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात अजितेश ने सड़क पर दीपांशु नाम के युवक को बहरहमी से पीटा, उसको गंभीर चोट आई है। आरोप ये भी है कि धमकी भी लगातार दी जा रही थी और अब वीडियो वायरल हो गया है। अब आपको बताते हैं कि अजितेश का क्या कहना है। सलाखों के पीछे आने के बाद अजितेश अब अपने आप को बेकसूर कह रहे हैं। अजितेश का कहना है कि जो गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ बयां हो रहा है कि अजितेश इस मामले में पूरा मसला विधायक का बता रहे हैं, पूरा कसूर विधायक का बता रहे हैं। विधायक का हाथ होने की बात कहकर पूरा जो आरोप है, पूरा जो ठीकरा है, वो विधायक के सर पर फोड़ कर बाहर निकलना चाहते हैं। अजितेश ने इस घटना को साजिश करार दिया है। अजितेश की गुंडाई का ये पहला मामला नहीं है। लगातार अजितेश इसी तरह से चर्चा में रहते हैं। पहले शादी को लेकर चर्चा में रहते, उस दौरान भी एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी सहानुभूति बटोरी थी, लेकिन अब ये दूसरा वायरल वीडियो हुआ है जिसमें उन्होंने इस दूसरे पहलू को सामने लाकर रख दिया है।